Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. Ma'am. Yes. Ma'am, why in PR system more than one candidate is elected? Because that's what that system is all about. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So, other than that, if you have any problem, you can ask me. Anyone? Or shall we proceed? Okay, so let's start with the new topic. Why did India adopt the FPTP system? India has also adopted this FPTP system, and what is the need of it? We'll discuss that in this topic. The answer is not very difficult to guess. अब जो इसका सवाल इस जो क्वेश्चन है इसका सवाल जो है वो गेस करना इतना मुश्किल नहीं है. इफ यू हैव केयरफुली रीड द बॉक्स एक्सप्लेनिंग द राज्यसभा इलेक्शंस यू वुड हैव नोटिस दैट इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम व्हिच मे वर्क इन अ स्मॉल कंट्री बट वुड बी डिफिकल्ट टू वर्क इन अ सब कॉन्टिनेंटल कंट्री लाइक इंडिया. अब इसका सवाल का जवाब ये है कि अगर आपने ध्यान से पढ़ाओ भी हमने कल पढ़ा था ये राज्यसभा वाला जो पूरा प्रोसीजर था पीआर वाला कि ये चीज हमने अच्छे से पढ़ी थी तो आपने देखा होगा कि ये पीआर वाली चीज जो है ये वैसे अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और ये किसी भी छोटी कंट्री के लिए तो काम कर सकता है लेकिन एक इंडिया जैसी सब कॉन्टिनेंटल कंट्री जो इतनी ज्यादा ह्यूज है उसमें पीआर सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी एंड द सक्सेस ऑफ एफपीटीपी सिस्टम इज इट्स सिंप्लिसिटी. रीजन जो है इसकी पॉपुलैरिटी का और इसकी सक्सेस का वो ये है कि यहाँ पे एफपीटीपी सिस्टम जो है वो बहुत ही सिंपल है और इजीली वो अडॉप्ट किया जा सकता है और उसको ऑपरेट किया जा सकता है. द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर्स हु मे हैव नॉट स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन. अब ये जो पूरा इलेक्शन सिस्टम है वो इतना एक्सट्रीमली ज्यादा इतना सिंपल है कि जो आम जनता है जो कॉमन वोटर्स हैं वो भी उनको अगर कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं हो तो भी वो आसानी से समझ सकते हैं. अगर उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स और इलेक्शन की तो भी वो एफपीटीपी सिस्टम को आसानी से समझ जाएंगे. देयर इज आल्सो अ क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. और यहाँ पे क्लियरली समझाया जाता है वोटर्स के सामने उनके सामने इलेक्शन के समय में उनके सामने चॉइस होती है कि भाई उनको किसको वोट करना है. वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स अ कैंडिडेट और अ पार्टी वाइल वोटिंग. और वोटर्स को वोट करते समय सिंपली ध्यान देना होता है कि किसको उनको वोट करना है या किस पार्टी की तरफ उनको वोट करना है. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स वोटर्स मे आइदर गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू द पार्टी और टू द कैंडिडेट और बैलेंस द टू. अब डिपेंड करता है कि किस तरह की वहां पे असल में राजनीति चल रही है उस पर डिपेंड करता है कि वोटर्स जो है वो किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कैंडिडेट को दे रहे हैं या दोनों के बीच में बैलेंस बिठा करके चल रहे हैं. ये डिपेंड करता है वहां की पॉलिटिक्स पर. The FPTP system offers voters a choice not simply between parties but specific candidates. अब FPTP system जो है यहाँ पर हमारे पास में एक choice होती है parties के बीच में नहीं बल्कि specific candidates के बीच में कि हम कौन से candidate को जिताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो आगे जाकर के elect हो वो depend करता है voters पर और ये उनकी choice पर. In other electoral systems, especially PR system, voters are often asked to choose a party and the representatives are elected on the basis of the party list. Ab iske comparatively PR system ke andar voters ko bola jata hai ek party ko choose karo aur fir wo jo apni list de rahe hain representative ki unme se un representatives jo hai unko choose karo. As a result there is no one representative who represents and is responsible for one locality. Aur isi ka karan hai ki yahan par किसी एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को हम नहीं आगे वो कर सकते हैं
कि वो अपनी जवाबदारी दे या रिस्पॉन्सिबल हो टू या आंसरेबल हो कि उसने क्या काम किया क्या नहीं किया पर्टिकुलर किसी एक लोकेलिटी में. अब इसको कंपैरेटिवली ऐसे समझो कि इंडिया के अंदर यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, वहां से अलग अलग लोगों को चुना जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अपने एरिया को लेकर के, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के. और अब जब कोई काम होता है और वो उस तरीके से काम नहीं किया जाता है तो हम उस व्यक्ति को या उस इलेक्टेड पर्सन के पास जाकर के पूछ सकते हैं कि भाई ये हमारा काम जो है ये क्यों नहीं हो रहा है या हमें ये दिक्कत है तो ये क्यों नहीं सॉल्व हो रही है. और ये एफपीटीपी में ही पूरी तरह से हो पाता है. और दूसरी तरफ पीआर सिस्टम जो है उसमें ये चीज नहीं हो पाती है. इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक द एफपीटीपी द वोटर्स नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इज एंड कैन होल्ड हिम और ऑन हर अकाउंटेबिलिटी. आप क्या है यहाँ पे एफपीटीपी सिस्टम के अंदर वोटर्स जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं, उनको पता होता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है और हम उससे जाकर के पूछ सकते हैं कि भाई कितने आपने काम किया और कितना नहीं किया. तो ये डिफरेंस है एफपीटीपी को इंडिया के अंदर अपनाने का और पीआर सिस्टम को नहीं अपनाने का. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? Students, am I audible to you? Yes. Is this paragraph clear or should I explain it in another way? आपको ये पैराग्राफ समझ में आया या मैं इसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन करूं दोबारा? You can use the chat option to answer. Students, am I audible to you? क्या आप सुन पा रहे हैं तो please reply करें. ये paragraph clear है या मैं इसको दोबारा से explain करूं? ओके. सो देयर इज अगेन अ कार्टून. दीज मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर ट्राइंग टू लिसन टू द टाइनी ऑपोजिशन. वॉज दिस द इफेक्ट ऑफ आर इलेक्टोरल सिस्टम? अब यहाँ पर ये 29 मई 1949 को ये कार्टून जो है प्रेजेंट किया गया है, डिपेक्ट किया गया है कि भाई यहाँ पे जितने भी रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो छोटा सा ऑपोजिशन है उसको सुनने की. क्या ये वाकई में इफेक्टिव है? हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो क्या सही में सही तरीके से काम कर रहा है? उसको डिपेक्ट करते हुए ये चीज दिखाई गई है. More importantly, the makers of our constitution also felt that the PR-based elections may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary system. अब इसके अलावा जो हमारे constitution को बनाने वाले लोग थे उनको ये लग रहा था कि अगर हम PR-based election करवाएंगे तो वो हमारी country को या सही नहीं रहेगा या जो हमारा stable government है parliamentary system है उसके लिए वो पूरी तरह suitable नहीं है. We shall study the nature of parliamentary system of executive in the next chapter. अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. द सिस्टम रिक्वायर्स दैट द एग्जीक्यूटिव हैज मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर. इस सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है उसको मेजॉरिटी चाहिए होती है लेजिस्लेचर के अंदर, यानी उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है. यू विल नोटिस दैट द पीआर सिस्टम मे नॉट बी प्रोड्यूस अ क्लियर मेजॉरिटी बिकॉज सीट्स इन द लेजिस्लेचर वुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर ऑफ द वोट्स. अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि पीआर सिस्टम जो है उसके अंदर कोई कहीं भी हमें क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है क्योंकि सीट्स जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर डिवाइडेड होती हैं वोट्स के शेयर्स पे बेसिस. वोट्स जो हैं वो बेसिकली शेयर उस पर होते हैं कि कितने शेयर के वोट जो है किस पार्टी के जा रहे हैं. तो इसीलिए ये पीआर सिस्टम जो है ये सही नहीं है. अब उसके कंपेरेटिवली जो एफपीटीपी है, द एफपीटीपी सिस्टम जनरली गिव्स द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिएशन सम एक्स्ट्रा बोनस सीट्स मोर देन देयर शेयर ऑफ वोट्स वुड अलाउ. अब एफपीटीपी सिस्टम के अंदर हमारे पास में ये एक फीचर है कि यहाँ पे मेजोरिटी मिलती है, क्लियर मेजोरिटी मिलती है या कोलिएशन या गठबंधन वाली चीज होती है, उसके उसके होते ही हमें एक्स्ट्रा बोनस सीट्स मिल जाती हैं जो जितने हमारे वोट्स नहीं होते वो हमें अलाउ नहीं करते. उसके कंपेरेटिवली ये चीज यहाँ पे फिजिबल है.
Thus, this system makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of a stable government. इसीलिए जो FPTP system है ये हमारे parliamentary government के अंदर smoothly काम करता है, parliament को smoothly काम करने देता है, effectively सारी चीजें यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट के हिसाब से कि कैसे हमारी सरकार स्टेबल फॉर्म में काम कर सके उसके लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो इनको फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड कराता है. फाइनली द एफपीटीपी सिस्टम एनकरेजेस वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी. और इसके साथ ही एफपीटीपी सिस्टम जो है ये भी चीज एनकरेज करता है कि वोटर्स अलग अलग जगह से आए, अलग अलग सोशल ग्रुप से आए, अपनी पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए इलेक्शन लड़े और फिर वो जीते. In a diverse country like India, a PR system would encourage each community to form its own nationwide party. This may also have been at the back of the mind of our constitution maker. Important line है कि FPTP system जो है उसमें वो allow करते हैं कि अलग अलग समाज के लोग जो हैं वो आकर के election लड़ें अपने अपने area के हिसाब से. और बल्कि ये काफी सही भी है. और वहीं दूसरी तरफ पीआर सिस्टम जो है वो बेसिकली अगर इंडिया जैसी कंट्री में अगर हम पीआर सिस्टम लागू कर देते तो उसमें क्या होता, अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है वो अपनी पूरी अलग पार्टी बनाने की कोशिश करते जो कि पूरे देश के अंदर बनती और डिविजन हो जाता, साथ में यूनिटी नहीं आती. इसीलिए ये चीज जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में थी, बैक ऑफ द माइंड देयर ये पॉइंट चल रहा था उनके दिमाग में कि इससे हमारी कंट्री में यूनिटी को खतरा भी हो सकता है. समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? ओके. The experience of the working of the constitution has confirmed the expectations of the constitution makers. जो experience था constitution बनाने वालों का उससे ये चीज जो है constitution बनाने की वो properly हो पाई. उनकी expectations जो है वो पूरी तरह वो उन्होंने fulfill करी. The FPTP system has proved to be simple and familiar to the ordinary voters. FPTP system लोगों के लिए simple proved हुआ है और ordinary जो voters हैं उनके लिए ये काफी familiar भी रहा है. It has helped larger parties to win clear majorities at the center and the state level. इसने मदद करी है बड़ी parties को कि उनको clear majority मिले center में भी और state level पे भी. The system has also discouraged political parties that get all their votes only from one caste or community. और इस system ने उन सारी political parties को discourage भी किया है जो simply अपने votes जो हैं simply अपने caste या community के basis पे इकट्ठे कर रही थी. Normally, the working of the FPTP systems results in a two-party system. Normally, देखा जाए तो ये system जो है उससे दो-party system, two-party system जो है उसको encouragement मिला है. This means that there are two major competitors for power and power is often shared by these two parties alternatively. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये FPTP system जो है वो दो major competitors जो है उनको एक platform दे रहा है लड़ने के लिए और ये power जो है वही लोग शेयर कर रहे हैं अल्टरनेटिव बेसिस पे. इट इज डिफिकल्ट फॉर न्यू पार्टीज और द थर्ड पार्टी टू एंटर द कंपटीशन एंड शेयर पावर्स. अब उसी तरीके से नई पार्टीज का बनना भी डिफिकल्ट है और थर्ड पार्टी अगर कंपटीशन में आ भी जाती है या पावर शेयर करने की कोशिश भी करती है तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी देखने को मिलती है. इन दिस रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ एफपीटीपी इन इंडिया इज स्लाइटली डिफरेंट. इस तरीके से देखा जाए तो एफपीटीपी सिस्टम जो है उसका FPTP सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट रहा है उसका एक्सपीरियंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस दो वी अडॉप्टेड द FPTP सिस्टम देयर इमर्ज्ड वन पार्टी डोमिनेंस एंड अलोंग विद इट देयर एग्जिस्टेड मेनी स्मॉलर पार्टीज. अब ये जो चीज है ये देखने को मिलेगी आप जब आगे 12th में आएंगे कि FPTP सिस्टम हमारी कंट्री ने अडॉप्ट तो कर लिया लेकिन उसके बाद में वन पार्टी डोमिनेंस वाली चीज है कि एक ही पार्टी जो है काफी समय तक डोमिनेट करती भी आई है इलेक्शंस को, रूल करती भी आई है, उसके साथ में छोटी छोटी स्मॉलर पार्टीज जो है वो भी एग्जिस्ट करी हैं. आफ्टर 1989 इंडिया इज विटनेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ मल्टी पार्टी कोलिएशंस. 1989 के बाद में इंडिया ने विटनेस किया है कि काफी अलग अलग मल्टी पार्टी कोलिएशंस हुए यानी गठबंधन हुए अलग अलग पार्टीज के इस वन पार्टी के खिलाफ में. At the same time, gradually in many states, a two-party competition is emerging. और उसी समय में धीरे धीरे कई सारे states के अंदर multi-party competition जो है, two-party competition जो है, वो भी emerge हुआ है.
But the distinguishing features of India's party system is that the rise of coalitions has made it possible for new and smaller parties to enter into the electoral competition in spite of the FPTP system. अब जैसे कि हमने भी ऊपर पढ़ा था कि FPTP system जो है उसने two party system को ज़्यादा encourage किया है और दो ही major parties competitors रहे हैं जो अक्सर इस पार के लिए election लड़े हैं और उन्होंने इस पार को enjoy किया है, share किया है alternatively और नई parties के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे वो अस्तित्व में आए, एग्जिस्टेंस में आए और फिर इलेक्शन लड़ें या कैसे पार शेयर करें. तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आप समझ सकते हो, लेकिन इसको भी इन्होंने पॉजिटिव उसमें कैसे लिया, जब 1989 के बाद में गठबंधन वाली चीज आई, मल्टी पार्टी कोलिएशंस वाली चीज आई है, तो ये एक पॉइंट जो था उससे क्या हुआ, नई पार्टीज जो है वो बनने लगी और वो कॉम्पिटिशन में आने लगी और उनको भी मौका मिलने लगा कि वो स्मॉलर पार्टीज जो है उस इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में आए. भले यहाँ पे एफपीटीपी सिस्टम है जिसको पहले मौका नहीं मिल रहा था उसको भी अब मौका मिलने लगा, गठबंधन के बेसिस पे ही सही वो अस्तित्व में आने लगी, एग्जिस्टेंस में आने लगी और अपना रोल प्ले करने लगी. जब आप 12th में आ जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब वहां पर सिंपली कांग्रेस जो है वो डोमिनेटिंग पार्टी थी और काफी 2 से 3 जो कॉन्सिक्यूटिव इलेक्शन हुए थे उसके अंदर वो ही जीतते हुए आ रहे थे और काफी मेजॉरिटी में उनको वोट्स मिल रहे थे, क्योंकि ये पार्टी जो है ये आजादी से पहले से ही एस्टेब्लिश हो रखी थी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और इनके काफी सारी ब्रांचेस जो है ऑफिशियल ऑफिसेस जो थे वो खुले हुए थे अलग अलग जगहों पर और इनकी पकड़ जो थी वो मजबूत थी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेशनल फ्रीडम फाइटर फ्रीडम लीडर्स जो थे, नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे इस पार्टी के अंदर, तो ये वैसे ही पॉपुलर थी और इसीलिए ये डोमिनेट करती भी आ रही थी. लेकिन धीरे धीरे बाकी पार्टीज जो जैसे कि बीजेपी है, पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, इसके अलावा भी और सारी पार्टीज जो थी वो भी अलग अलग आइडियोलॉजी को लेकर के धीरे धीरे अस्तित्व में आ रही थी. तो वही चीज यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताई गई है कि कैसे ये कोलिएशंस का राइज हुआ और ये नई नई स्मॉलर पार्टीज जो हैं ये एंटर होने लगी इस इलेक्टोरल कंपटीशन के अंदर, भले ही यहाँ पर एफपीटीपी सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया हुआ था. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. So reservation of the constituencies. अब आप notice करेंगे कि FPTP election system जो है उसमें candidate जो है जिनको highest vote मिल रहे हैं वो particular constituency को ही declare किए जाते थे कि वो elected है. अब ये अक्सर काम जो है इसका एक disadvantage भी होता था कि smaller social groups जो है उनको ये मौका नहीं मिल पाता था, ठीक है. इसीलिए यहाँ पे हमने पहले ही देखा है कि इंडिया ने कास्ट बेस्ड सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन जो है काफी समय से चला आ रहा था कि यहाँ पे भेदभाव किया जाता था कास्ट के बेसिस पे, तो इस चीज को डील करने के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर मेजर्स जो है वो अप्लाई किए गए, जिससे छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स जो हैं, सोशल ग्रुप्स जो हैं जिनको कभी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है या उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनको भी कुछ परसेंट रिजर्वेशन दे करके उनको भी मौका दिया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई दैट दे कैन आल्सो रिप्रेजेंट देमसेल्व्स ऑन दिस इलेक्टोरल इलेक्शन एंड देन दे कैन आल्सो हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू फाइट दिस पर्टिकुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. तो वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. We have noticed that in the FPTP election system, the candidate who secures the highest votes in a particular constituency is declared elected. हमने देखा है इस election system के अंदर कि जिसको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो elected माना जाता है, declare कर दिया जाता है. This often works to the disadvantage of the smaller social groups. और ये कई बार जो है ये एक disadvantage की तरह भी लेकर के आया है. Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So there was a network glitch. So where I was, okay. तो यहाँ पर क्या है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है हमारे यहाँ का, उसको डील करने के लिए भी इन्होंने इम्पोर्टेंट मेजर्स लिए हैं और इस सिस्टम के अंदर उनको कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है, कुछ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया है, जिससे वो लोग भी प्रॉपर अपने आप को डील कर सकें इस चीज से और सॉर्ट आउट कर सके अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो वील डिस्कस दिस टॉपिक इन टुमारो सेशन. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर नेक्स्ट क्लास एंड प्लीज कंजर अप योर प्रॉब्लम
related to the this chapter, election and representation. And we'll discuss all of your problems in tomorrow's session. Please go through the chapter. Okay.